लोगे। मुझे देखकर अगर आपका दिल धक धक नहीं करता तो मुर्शद ईद मुबारक। अभी आ गए ईद मुबारक करने। अभी मेरा चल रहा है घुगनी की बारी। एम लाइक 74 kg, एम्प्टी स्टमक में 74 kg। ये लोग जो बैकग्राउंड में लोग डांस और सिंगिंग कर रहे हैं ना, इसको इग्नोर करना। गुड मॉर्निंग गाइस, और ईद मुबारक टू एवरीवन। ईद मुबारक। अभी आ गए ईद मुबारक करने। सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज ईद है, ये व्लॉग आप लोग कल देख रहे हो, तो बी रिलेटेड ईद मुबारक। वैसे तो ईद 3 दिन चलता है, तो ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। अभी बस नमाज़ ख़त्म हो के आया हम घर। बाहर तो बहुत ख़तरनाक वाला बारिश भी हो गया, पूरा वेदर ठंडा हो गया एकदम। और अभी ईद के दिन यार बहुत लेजीनेस आया था अंदर में, हम लोग एकदम लेजी हो जाते हैं। अभी अच्छा खासा नींद भी आ रहा है, देखते हैं अगर नींद आया तो सो जाएंगे, नहीं आया तो फिर व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे आज। देखो ये भी आके सो गया, जन देखो बैठ बैठ के रेडी हो रहा है। देखिए ये बंदा खा लिया है इतना सारा खीर, सब खीर का डब्बा खा लिया है, ये भी खीर खा ली है। और अभी मेरा चल रहा है घुगनी की बारी, घुगनी खाएंगे, घुगनी सुबह सुबह, घुगनी ईद के दिन, मज़े। भाई साहब अभी छत पर आए इसका रील शूट करने, ईद का पोस्ट डालेगी, इसी की वजह आए छत में। बट यार इतना धूप है कि आँख ही नहीं खुल रहा यार, और ये कैसे रील शूट करेगी पता नहीं है। सो अभी जो मैं बता रहा था ना उस दिन कि मेरा डेडलिफ्ट का बहुत ख़तरनाक वाला सेशन चल रहा है अभी, तो उसी लिए हस्की मैं चला नहीं पा रहा हूँ अभी। तो उसका रीज़न एक है, अभी मैं वेट गेन कर रहा हूँ एंड थोड़ा बहुत प्लानिंग्स है इन फ्यूचर। अभी अब आई एम लाइक 74 kg, एम्प्टी स्टमक में 74 kg, एंड साइज इज लुकिंग प्रीटी गुड। ये लोग जो बैकग्राउंड में लोग डांस और सिंगिंग कर रहे हैं ना, इसको इग्नोर करना, क्योंकि इस चैनल का क्रिएटर मैं हूँ, तो मुझे देखो, इन लोगों को इग्नोर करो। But we will arrive in daily family vlog every day. मुझे देखकर अगर आपका दिल धक धक नहीं करता तो मुर्शद जरूर आपके साथ कोई दिल का मसला है। ये खाली मुर्शद के लिए, आप लोग के लिए नहीं। मुर्शद कौन है जरा बुलाओ उसको, चैनल सब्सक्राइब करो मुर्शद। चैनल सब्सक्राइब करो। सो इट्स बीन लाइक घूमते घूमते हम लोग वाइड एंगल करते हैं। सो घर में बैठे बोर हो रहे थे और आगे हम लोग KGF देखने, तो इट्स अ सेकंड टाइम KGF। की बिरयानी She was not believing me when I said it's a biryani. He thinks it's a rice bowl. It's a mess of something. KFC mix. You're the mess. And these are my new kicks from Adidas. So we are in Act Row. और ये second time है KGF का। मेरा पहली बार है। इसका पहला बार KGF है और मेरा सेकंड टाइम है, तो चलो चलते हैं। KGF देख के आने के बाद भाई हम लोग देख रहे टीवी में अभी बैटलशिप, और इससे पूछते हैं कि ओ दादा कैसा लगा KGF? She was
went to heaven for his hair only. हाँ मेरे हम आप लोगों के लिए तो दो दो बार देख ली है. बाप बोलिए कैसा लगा? The movie is good. अच्छा. पार्टी तो बिल्कुल कोर भी देखूँ मोर तो क्या लो? हाँ बिल्कुल कोर भी जान ना. ए प्रिया तुम्हारे KGF क्यों मुला गलो? एक नहीं जी बोलो. इसको भी पूछते हैं KGF कैसा लगा. मूवी तो बहुत अच्छी है लेकिन एक्सपेक्टेशन बहुत हाई कर देती है. ऐसे लड़के मिलते नहीं है मार्केट में अभी. ऐसे ऐसे लड़के जो अभी KGF में दिखाए जा रहे हैं. तो पार्ट 3 में देखते हैं क्या होता है. चलो KGF का तो रिव्यू मिल गया आप लोगों को. तो व्लॉग यहीं पे एंड करें क्या? ठीक है चलो यहीं पे व्लॉग एंड कर देते हैं. अभी पियेंगे थोड़ा सा चाय. उसके बाद पराठा और चिकन भी रेडी है. तो ईद के दिन तो अच्छा खासा घर वाला खाना ही खाना चाहिए. बाहर थोड़ा बहुत खा लिया था हम लोगों ने, डिनर करके नहीं आया. बिकॉज़ ईद के दिन यार घर में जो खाना बनता है वो मतलब एकदम ज़बरदस्त टेस्टी वाला होता है. तो घर का खाना मिस नहीं कर सकती ईद के दिन. सो डिनर दिखाएंगे बट अभी व्लॉग एंड कर देते. चलो तो सी यू ऑन द नेक्स्ट व्लॉग. और ये थर्ड व्लॉग है. सो फार सो गुड एंड वी गोइंग वेल बेबी. सो अभी बैठे हैं एडिटिंग में. तो ये व्लॉग एडिट करेंगे. ये व्लॉग एडिट करने के बाद आपको ये व्लॉग कल दिख जाएगा. एंड चाय और बिस्किट के साथ बैठे हैं. सामने मूवी भी चल रहा है. एंड देखो गाइज ये चैनल है तो अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना. ओके फिर कल मिलते हैं.